नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड 19 के प्रादुर्भाव की वजह से विद्यार्थियों का प्रत्यक्ष शाला में जाकर शिक्षा लेना मुश्किल होते जा रहा है और इस कठिन घड़ी में बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने विद्यार्थियों के लिए एक सराहनीय प्रयास किया और इस चैनल की शुरुआत की। मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास स्टूडियो से अपना विषय और अपना घटक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलें अपने विषय की ओर। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग, वर्क फ्रॉम होम MCGM वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर से मैं पूर्णिमा पांडे आप सभी को सादर नमन करती हूँ। आधुनिक भारत का इतिहास और कक्षा आठवीं की इस पाठ्यपुस्तक में हम जानेंगे यूरोपीय, विशेषतः ब्रिटिश अंग्रेजों के शासनकाल के बारे में। कक्षा आठवीं के इतिहास विषय के सत्र में मैं पूर्णिमा पांडे आप सभी को सादर आमंत्रित करती हूं। आज है पाठ तीन, अंग्रेजी सत्ता के परिणाम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यह इंग्लैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी जो व्यापार के बहाने भारत में आई और धीरे धीरे इसने भारत पर अपना वर्चस्व जमाना शुरू कर दिया और कालांतर में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से अपना नियंत्रण कर लिया। और इन सब का भारत पर क्या परिणाम हुआ, इन्हीं कुछ मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे। अंग्रेजी सत्ता के भारत पर परिणाम। दोहरी शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून, प्रशासनिक नौकरतंत्र यानी सिविल सर्विसेज, सेना और पुलिस बल प्रणाली, कानून के सम्मुख सभी समान या विधि शासन और अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के बारे में आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, ग्रेट ब्रिटेन और वहां का रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक माना जाता है। पहली बार वह सन 1757 से 1760 ईस्वी और फिर दूसरी बार सन 1765 से 1767 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर रहा। 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ और उसने दोहरी शासन व्यवस्था लागू की। क्या थी यह दोहरी शासन व्यवस्था? तो उसने राजस्व एकत्र करने का काम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को और शांति और व्यवस्था बनाए रखने का काम सौंपा बंगाल के नवाब। एक साथ में यह दोनों शासन प्रणाली उसने लागू। इस दोहरी शासन व्यवस्था के दुष्परिणाम कालांतर में दिखाई देने लगे। सन 1770 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें अत्यधिक जान माल की हानि हुई। अकाल के दिनों में भी भूमि कर दृढ़ता पूर्वक वसूल किया गया, यानी किसानों को लगान में कोई माफी नहीं दी गई। कंपनी के कार्यकर्ताओं ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को भी बढ़ाकर लाभ कमाया। भारत में व्यापार करने का एकाधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त था और इस एकाधिकार का उन्होंने दुरुपयोग भी किया और इसलिए इंग्लैंड के कई व्यापारी उस कंपनी के प्रति ईर्ष्या भी रखते थे और इस कंपनी के अधिकारी काफी भ्रष्ट भी हो चुके थे। उन्होंने सामान्य जनता से जो कर के रूप में पैसे वसूल किए थे वह अपनी जेब में रख लिए, यानी वो पैसा कंपनी को नहीं गया, अधिकारी जो थे वह स्वतः धनवान होते गए। भारत में चल रहे कंपनी के प्रशासन पर इंग्लैंड में आलोचना होने लगी। और देखते ही देखते देश में कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। तब कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण रखने हेतु इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने कुछ महत्वपूर्ण कानून, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। इसके पहले भारत में गवर्नर का पद हुआ करता था
और यह गवर्नर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि होता था, जो बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करता था। सन 1773 ईस्वी से पहले बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में शासन संचालन के लिए गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, बनाया गया, जो कि गवर्नर जनरल परिषद की सहायता से काम करेगा, यह भी निर्धारित किया गया। इसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था और इस पद को सुशोभित करने का पहला अवसर मिला था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत में मुंबई और मद्रास प्रांत की नीतियों पर नियंत्रण का अधिकार भी दिया गया। उस समय तत्कालीन भारत में बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, इस तरह से प्रांत रचना हुआ करती थी और इन दो प्रांतों की नीतियों पर नियंत्रण का अधिकार भी वॉरेन हेस्टिंग्स को दिया गया। इसके बाद आया सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। सन 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने और कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन को अधिक सक्षम और उत्तरदायित्व पूर्ण बनाने के लिए अगले एक दशक के दौरान जांच के कई दौर चले और ब्रिटिश संसद द्वारा अनेक कदम उठाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कदम था 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया जाना, जिसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी। 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद भारत में चलाई जा रही ईस्ट इंडिया कंपनी शासन व्यवस्था पर पार्लियामेंट का नियंत्रण रखने वाली एक परिषद का गठन किया गया। इस अधिनियम में पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण भी प्रदान किया गया। ईस्वी सन 1813, 1833 और 1853 में लगातार कंपनी की शासन व्यवस्था में फेरबदल होते रहे और इस तरह कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष नियंत्रण आ गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला, कानूनी सुधार, पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार। लॉर्ड कॉर्नवालिस को एक तरह से पुलिस व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। अंग्रेजी सत्ता के आगमन के साथ साथ भारत में नई प्रशासनिक प्रणाली भी आ गई और इसके अंतर्गत प्रशासनिक नौकर तंत्र, सेना, पुलिस बल और न्याय प्रणाली, यह अंग्रेजों के भारत में चलाए जा रहे प्रशासन के प्रमुख आधार स्तंभ बने। प्रशासनिक नौकर तंत्र, सिविल सर्विसेज। भारत में अंग्रेजी सत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए अंग्रेजों को एक नौकर तंत्र की आवश्यकता थी और इसलिए उन्होंने उस सेना, पुलिस बल, न्याय प्रणाली के साथ साथ प्रशासनिक नौकर तंत्र में काफी बदलाव। प्रशासन की सुविधा हेतु लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के निजी व्यापार करने पर रोक लगा दी और इसके साथ साथ उसे पता था कि जब व्यापार से इनकम कम हो जाएगी तो कहीं ना कहीं तो उन्हें अपना वेतन चाहिए, तो उन्होंने अधिकारियों के वेतन में वृद्धि कर दी। उसके बाद प्रशासनिक सुधार की तरफ ध्यान देते हुए प्रदेशों का जिले के अनुसार विभाजन कर दिया ताकि उस पर प्रशासन के लिए सुविधा बनी रहे।
और उस प्रत्येक जिले का एक जिलाधिकारी नियुक्त किया गया। यह जिलाधिकारी जिला प्रशासन का प्रमुख होता था और इस जिलाधिकारी का काम था राजस्व इकट्ठा करवाना, न्याय प्रदान करना, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना और इसके साथ साथ इन प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकारियों की भर्ती इंडियन सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा लॉर्ड कार्नवालिस ने भारत में अंग्रेजों के प्रशासन की सुविधा के लिए सेना और पुलिस बल की स्थापना भी की। और इस सेना और पुलिस बल का काम क्या हुआ करता था? तो इनका मुख्य काम था अंग्रेजों के अधिकार वाले प्रदेशों की रक्षा करना, नए प्रदेशों को हथियार लेना, यानी जिन प्रदेशों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं था उन ऐसे नए प्रदेशों को धीरे धीरे हथियार कर अपने प्रदेश में मिलाते जाना, अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाले विद्रोह का दमन करना और उसके साथ साथ कानून व्यवस्था बनाए रखना। न्याय प्रणाली। इंग्लैंड में प्रचलित न्याय प्रणाली के ढर्रे पर अंग्रेजों ने भारत में नई न्याय प्रणाली की स्थापना की। प्रत्येक जिले में असैनिक अर्थात नागरिकों के मुकदमे के लिए दीवानी न्यायालय और आपराधिक मुकदमों के लिए फौजदारी न्यायालय की स्थापना की गई और इनके न्यायालय के निर्णय पर पुनः विचार करने के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई, यानी हाई कोर्ट की स्थापना भी की गई। कानून के सम्मुख सभी समान, विधि शासन। अंग्रेजों ने अपनी शासन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए न्यायालयों की स्थापना की और जो चित्र आप देख रहे हैं यह है उस कालखंड में बनाया हुआ मुंबई हाई कोर्ट। पूर्व समय में अलग अलग स्थानों पर भारत में अलग अलग कानून प्रचलित थे। न्याय प्रदान करने में जातियों के अनुसार भेदभाव किया जाता था। लॉर्ड मैकॉले के नेतृत्व में स्थापित की गई विधि समिति ने कानून की संहिता तैयार की, संपूर्ण भारत में एक ही कानून लागू किया। हालांकि इस प्रणाली में कुछ कमियां भी थीं। यूरोपीय लोगों के मुकदमे चलाने के लिए स्वतंत्र न्यायालय थे और विभिन्न कानून थे, यानी भारतीयों में और यूरोपीय लोगों में भेदभाव किया जाता था। कानून के सम्मुख सभी समान। लॉर्ड मैकॉले का इनका पूरा नाम था लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकॉले। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पिनल कोड की संहिता इन्होंने ही तैयार की थी। न्याय के समक्ष सभी एक समान है, इसकी संकल्पना भी लॉर्ड मैकॉले ने रखी थी। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां। इंग्लैंड एक छोटा सा देश किंतु आधुनिक देश। यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, इसलिए वहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रूढ़ हो चुकी थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है वह आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व का होना और इसकी वजह से मुनाफे में भी यानी लाभ में भी अधिक से अधिक हिस्सा उसके मालिक का होता है और अपनी इस अर्थव्यवस्था का पोषण करने के लिए उन्होंने भारत में भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। इससे इंग्लैंड को तो आर्थिक लाभ हुआ लेकिन भारतीयों का आर्थिक शोषण होने लगा। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपको पसंद आया। तो इस विषय को, इस घटक को अधिकाधिक समझने के लिए इस वीडियो को बार बार देखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, एक नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद। बच्चों, आज इस वीडियो में हमने अंग्रेजी सत्ता के भारत पर होने वाले कई परिणामों में से कुछ परिणामों के बारे में चर्चा की। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आपके सुझाव और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अपेक्षित है। धन्यवाद।